नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विराट वैश्य महाकुंभ का आयोजन हुआ। नेहरू नगर स्थित कमला नेहरू पार्क में आयोजित इस सम्मेलन के जरिए वैश्य समाज ने अपना दमखम और एकजुटता दिखाने की कोशिश की। इस कार्य में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल समेत कई बड़े चेहरे शामिल हुए। डॉक्टर चंद्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में शामिल थे। विराट वैश्य महाकुंभ को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्र ने वैश्य समाज के पिछड़े और गरीब लोगों को ऊपर उठाने का आह्वान किया। डॉक्टर चंद्र ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्य समाज को जितना सबल माना जाता है उतना नहीं है। हमारे समाज में 80% लोग सामान्य और गरीब हैं। सबको साथ लाना होगा, सबके लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर बात के लिए अड़ना नहीं है, लेकिन अपनी बात रखनी चाहिए। फ्री की राजनीति पर उन्होंने कहा कि यह लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्य समाज के योगदान को याद किया। उन्होंने वैश्य समाज प्रदेश को देश के लिए मोदी और योगी सरकार के काम गिनाए। 2014 के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद 2015 में वो तथ्य प्रकाशित किए गए हैं। यदि आप लोग और खासकर आज मैं समझता हूँ कि वैश्य समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ एकत्रित हुए हुए हैं, व्यापारी लोग एकत्रित हुए हुए हैं, अगर उसको भारत सरकार की आप वेबसाइट पे देखेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वैश्य समाज केवल भामाशाहों का समाज नहीं है। यहाँ अशोक जी गोयल, उत्तर प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, उनको भी कहूँगा कि आप ज़रा तसल्ली करिए, जानकारी करवाइए कि वैश्य समाज उत्तर प्रदेश में तेली समाज भी है और बहुत से ओबीसी में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी वैश्य समाज के लोग हैं। लेकिन सब लोग जानिए, उन लोगों को आपके आसपास जो लोग रहते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वैश्य हैं, उनको अपनाइए, उनके साथ जुड़िए, आप सब एक साथ जुड़िए और आगे आने वाले समय में मंच के सामने ज़्यादा लोग हों और मंच पर कम लोग होंगे तो ये समाज बहुत आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। इसकी समाज की सेवा करें, वो कार्य हम करते रहें तो ही आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको बुरा लगा हो तो एक बार फिर क्षमा मांगते हुए, आप सबको, आपने मुझे बुलाकर, अनिल जी ने, आप सभी ने इतना मान दिया, आदर दिया, उसके लिए आभार प्रकट करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज के साथ। नमस्कार।